शासन शासकीय राशन दुकान के माध्यम से गरीब परिवारों को सस्ते दाम पर राशन देने का दावा करती है और प्रत्येक 3 किलोमीटर में राशन दुकान खोला गया है ऐसा कह रही है। लेकिन उमरिया जिले के ग्राम डबरौहा के लोगों को राशन के लिए 8 किलोमीटर दूर ग्राम महिमार में जाना पड़ता है। रास्ता सही नहीं है, आने जाने में बहुत पैसा है, बरसात में तो चल नहीं पाते आदमी, इसलिए बहुत परेशानी है। यहाँ बहुत परेशानी है क्योंकि हम 4-4, 5-5 नाले में महिमार पंचायत जो गल्ला लेने जाते हैं, 4 नाले 5 नाले इतना चोर बोर हो जाते हैं पसीना में और कांदू की इसमें तो जान ही नहीं पाते। उमरिया कैसे जाएं तो 12 किलोमीटर पड़ता है, तो उमरिया घूमते हैं घंघरी हो के नाका हो के सीधा चले जाते हैं महिमार। महिमार में दिन भर ही लग जाते, एक दिन की मजदूरी वही अलग छूट गई। किसी तरह के वजन लेके आओ तो बरसात में ही तो बोरी पलट जाते हैं आदमी, इधर कहूँ उधर हो जाता है, इतना मतलब परेशानी है। कितने लगभग कितने राशन कार्डधारी होंगे? 100 करीब है। पिछले 2 माह से ग्राम डबरौहा के राशन कार्डधारियों ने समस्त परिवारों राशन लेने महिमार जा रहे हैं, लेकिन इन परिवारों को राशन नहीं आया कहकर राशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि ग्राम महिमार के लोगों को प्रत्येक माह राशन दिया जा रहा है। राशन न मिलने के कारण ग्राम डबरौहा के लोगों को महंगे दामों पर बाजार से राशन खरीद कर गुजारा करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर खाद्य अधिकारी और जबकि कलेक्टर के पास गए भी हैं, लेकिन उसका आश्वासन देकर उनको वहां से भगा दिया गया, लेकिन अभी तक वहां राशन दुकान नहीं आया। यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि हमारे उमरिया ज़िले के कलेक्टर साहब हैं अभिषेक सिंह, जिनका ऑफिस का नंबर है 076-53-22-26-00। यह नंबर पर कॉल करके इन पर दबाव बनाए जिससे डबरौहा गांव में राशन दुकान खुल सके। मैं रामलाल बैगा, ग्राम डबरौहा, ब्लॉक करके लिए, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहार्ट के लिए।